सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल अगेन, अमर राजपूत दिस साइड। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप 3 मिनट इनविटेशन कर सकते हो। अगर आपका कोई वेबिनार होता है जिसके अंदर आप अपने प्रॉस्पेक्ट को इनवाइट करना चाहते हो एंड अभी तक आपको किसी ने बताया ही नहीं कि आपको इनविटेशन करना कैसे, कोई इनविटेशन का कोई स्क्रिप्ट है ही नहीं आपके पास, तो आज मैं बताने वाला हूँ, डोंट वरी, किस तरीके से सिर्फ 3 मिनट के अंदर अपनी लाइफ की सबसे बेस्ट इनविटेशन आप कैसे कर सकते हो। तो अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि इनविटेशन करते वक्त आपके पास एक बेसिक स्क्रिप्ट होनी चाहिए। परेशान मत हो, अगर आपके पास स्क्रिप्ट नहीं है तो मैं आपको स्क्रिप्ट देता हूं। तो सबसे पहला पॉइंट आपको जो पूछना है, कभी भी अगर आपके पास लीड आ चुकी है तो यहां पे, अगर आपके पास लीड आ चुकी है तो मैं यहां पे लीड के बारे में बात नहीं करूंगा कि लीड कैसे लानी है वगैरह वगैरह। मान लेते हैं आपके पास लीड आ चुकी है, आपका किसी ने फॉर्म फिलअप कर दिया या आपको इंस्टाग्राम पे किसी ने डीएम कर दिया या फिर व्हाट्सएप पे आपके पास लीड्स आई, तो सबसे पहले करना क्या है, कंफर्म दैट ही फिल द फॉर्म। कंफर्म करिए कि उसने आपको अप्रोच किया है। तो जैसे मैं कभी भी बात करता हूँ सामने वाले से, पूछता हूँ हाय मनीष बात कर रहे हो, वो बोलता है हाँ जी मनीष बात कर रहा हूँ, हाय मनीष मैं अमन बात कर रहा हूँ, आपने इंस्टाग्राम के ऊपर मेरा फॉर्म फिलअप किया था वर्क फ्रॉम होम की रिगार्डिंग, वो बोलता है हाँ जी। कन्फर्म करो, जब भी किसी को कॉल करते हो मेक श्योर कि आप उसको बताओ कि भाई तूने फॉर्म भरा था इसीलिए कॉल कर रहा हूँ, ऐसे नहीं है। कन्फर्म, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है आपका खुद का इससे। तो दूसरा पॉइंट है, आस्क हिम वेयर आर यू फ्रॉम एंड हाउ आर यू, कि आप कैसे हो और आप कहाँ से हो। तो जैसे मैं पूछता हूँ हाँ जी तो आप कहाँ से बात कर रहे हो, अच्छा महाराष्ट्र से बात कर रहे हो, अच्छा सब ठीक है, बढ़िया है, ऑल गुड, बताता है हाँ जी। आपको पूछना जरूरी है कि हाउ आर यू एंड आप कहाँ से बात कर रहे हो। सेकंड पॉइंट, अभी मैं समअप करूंगा एंड के अंदर, बट आप अभी पहले सुन। तो तीसरा पॉइंट है, आपको एक कॉमन पॉइंट के ऊपर रिलेशन बिल्ड करना है। अब रिलेशन बिल्ड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मान लो आपने पूछा आप कहाँ से हो, बोलते हैं दिल्ली से, अच्छा दिल्ली से हो, दिल्ली से तो मैं भी हूँ, आप दिल्ली में कहाँ से हो, अरे मैं तो रोहिणी से हूँ, ठीक है, या फिर मैं नारायणा से हूँ, या फिर मैं रजौरी से बात करूँ, अच्छा भाई वहाँ तो मेरा दोस्त रहता है। ऐसे करके पूछने से होता क्या है कि कॉमन पॉइंट पर रिलेशन बिल्ड हो जाता है। अगर आप मान लो पूछते हो भाई आपकी एजुकेशन क्या है, अच्छा बीकॉम कर रहा हूँ, अच्छा मान लो अगर आप बीकॉम कर रहे हो तो बता सकते हो, अच्छा बीकॉम कर रहे हो यार मैं भी बीकॉम कर रहा हूँ, और अगर बोलता है कि हाँ मैं बीए कर रहा हूँ, तो आपका अगर कोई दोस्त है नॉन में तो बोलो अरे भाई बीए तो मेरा दोस्त भी कर रहा है यार, काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है, मतलब क्यों ली थी बीए, ये क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हो। बट अभी हम सीक्वेंस में चलेंगे, सीक्वेंस ब्रेक नहीं करना, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट जो मैंने बताया कि बिल्ड रिलेशन ऑन अ कॉमन पॉइंट, ठीक है। चौथा पॉइंट है, आस्क हिम अबाउट हिज जॉब एंड प्रीवियस जॉब, ठीक है, इनकम के बारे में पूछो और पिछली जॉब के बारे में पूछो। अब जैसे मैं किसी से पूछता हूँ अच्छा भाई तो आप अभी क्या करते हो, बोलते जी मैं बैंक में नौकरी करता हूँ, अच्छा बैंक में नौकरी करते हो, क्या पोजीशन पे काम कर रहे हो, मतलब कहता है सेल्स में, अच्छा सेल्स के अंदर हो, वाओ तो कब से काम कर रहे हो, अच्छा पिछले 3 साल के अंदर, अच्छा 3 साल के अंदर तो उससे पहले क्या कर रहे थे, सर उससे पहले तो HDFC के अंदर था, अच्छा HDFC के अंदर था तो इस वाले बैंक में क्यों है, अरे वहाँ पर पे आउट है ना बड़ा कम था, अच्छा चलो ठीक है। डेप्थ में जाना है, इनकम के बारे में पूछो कि भैया कितना कमा लेते हो यहाँ पे, और भी पूछना है कि आप इनकम कितनी कर लेते हो, वो बताता है जी इतनी इनकम कर लेता हूँ। तीसरा पॉइंट ये हो, चौथा पॉइंट ये हो, ठीक है। अब क्या करना है, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब आता है पांचवा पॉइंट, आप उससे पूछो क्या आप मेरे काम के बारे में कुछ जानते हो। दोबारा से सुनो, क्या आप मेरे काम के बारे में कुछ जानते हो। अब सामने वाला क्या बोलता है, हाँ जी जानता हूँ, तो उससे पूछो अच्छा बताओ क्या जानते हो, वो बताएगा आपको। अगर बोलता है नहीं जानता तो फिर अगला पॉइंट जो है 6th पॉइंट वो आता है कि चलो कोई बात नहीं मैं बता देता हूँ, हमारा काम इसके अंदर है, ठीक है, हमारा सेल्स के अंदर काम है, रिक्रूटमेंट के अंदर काम है, या लीड जनरेशन के अंदर काम है, या फिर हम नेटवर्किंग करते हैं, हमारा डिजिटल मार्केटिंग में वर्क है, टेल हिम अबाउट दैट वर्क, ठीक है। यहाँ पे पूरी बात नहीं बतानी, ध्यान से सुनना, यहाँ पे सिर्फ बेस बता देना। 7th पॉइंट में आपको क्या बताना है कि भाई मैंने एक छोटा सा 5 मिनट का वीडियो रेडी किया हुआ है जिसको देखने के बाद आपको समझ आ जाएगा हमारा काम क्या है, तो मैं कॉल पे ज़्यादा समझाऊँ, इससे अच्छा आप एक काम करो आप वीडियो ही देख। अब पर्सन क्या कहता है कि भैया काम बताओ क्या है, तो बोलो भाई देख मैं भी कॉल पे तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मुझे बहुत सारी कॉल्स करनी है, लेकिन मैंने आपके लिए एक वीडियो क्रिएट करी हुई है। अब इसको मैं इनविटेशन को दोबारा से करके दिखाऊंगा जब मैं दूसरे वे में करके दिखाऊंगा। तो आपके लिए वीडियो क्रिएट करिए, अगर आपके पास कोई वीडियो है अपने बिजनेस के रिलेटेड जो आपने प्रिपेयर करी हो तो दे दो, नहीं है तो कोई बात नहीं, उनको बोलो जी हमारा एक वेबिनार होने वाला है 1 बजे, ठीक है, 1 तारीख तो आप आओ, ऐसे करके और उस चीज की इंपॉर्टेंस बताओ। एंड 8th पॉइंट ये है, उस पर्सन को बोलो कि एक काम करिए आप मुझे व्हाट्सएप पे हेलो का मैसेज कर दीजिए, मेरा नंबर सेव करके मैं आपको थोड़ी देर में वो वीडियो शेयर कर देता हूँ, या फिर जो अपना जूम वेबिनार है या फिर कहीं पर भी वेबिनार हो रहा है उसका लिंक शेयर कर देता हूँ। अब वो पर्सन आपका नंबर सेव कर लेगा, आपको टेक्स्ट भी कर देगा, आप उसका नंबर लेके सेव कर लो, ठीक है, और आपके पास आ गई लीड जिसका आपने इन्विटेशन कर दिया वेबिनार के लिए। अब ये तो हो गया एक स्क्रिप्टेड इन्विटेशन, जिसको स्क्रिप्ट को मैंने लगभग शायद 1.5 साल पहले बनाया था जब मैं काम को शुरू कर रहा था, और ये इन्विटेशन इतनी पावरफुल थी
कि लगभग 25,000 लोगों ने इससे अपने वेबिनार के अंदर लोग बैठाए। 25,000 लोगों ने, इमेजिन करो 25,000 लोग जिन्होंने पे करा है वेबिनार देखने के लिए इसी स्क्रिप्ट को यूज़ करके। अब मान लो अगर आज मुझे इनविटेशन करनी है और मुझे किसी को अपने वेबिनार में बुलाना है तो मैं किस माइंडसेट से वर्क करूँगा? मेरा माइंडसेट ये रहेगा कि यार एक पर्सन है जिसने मेरा फॉर्म फिलअप किया है और वो कमाना चाहता है, ठीक है, तो मेरा सीधा सा काम क्या है भाई, वेबिनार है देखना है, तो मैं उससे क्या बात करूंगा कि भाई देख, हाँ जी भाई आपने फॉर्म फिलअप किया था, हाँ जी आपको अर्निंग करनी है, मतलब हाँ जी हाँ जी बिल्कुल अर्निंग करनी है, अच्छा चलो ठीक है, हमारा वेबिनार होने वाला है 3 तारीख को या 4 तारीख को, ठीक है 8 बजे शाम, ठीक है, तो उस वेबिनार के अंदर आपको बताया जाएगा ऐसे 4 तरीके कौन से हैं पैसे कमाने के, 5 तरीके कौन से हैं पैसे कमाने के, ठीक है, तो उस वेबिनार के लिए ना आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। लेकिन बात यह है कि उस वेबिनार के लिए लगभग 28,000 लोगों ने फॉर्म को फिलअप किया है या 30,000 लोगों ने फॉर्म को फिलअप किया है, एंड हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम सिर्फ 1500 लोगों को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो 1500 लोगों को हम किस बेसिस पे सिलेक्ट कर रहे हैं? हमने एक छोटी सी फी रखी हुई है 200 रुपये की, 300 रुपये की इस वेबिनार के लिए, या फिर जो भी अगर आपकी फीस चलती है तो ले लेना, नहीं चलती तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने ये फीस रखी हुई है। तो अगर आप वेबिनार अटेंड करना चाहते हो तो छोटी सी फीस आपको पे करनी पड़ेगी, ठीक है, तो ये है सीन। अब मेरे को बताओ, आपको सब कुछ समझ आ गया, कोई डाउट है तो पूछ लो। ऐसे 4 तरीके या 5 तरीके वेबिनार में बताए जाने वाले हैं, जो भी आपका वेबिनार का टाइटल हो या फिर नीश हो उसके बारे में बात करो। सामने वाला क्या करता है, कहता है हाँ जी बिल्कुल बताओ, ठीक है, अब उसको वेबिनार का लिंक शेयर कर दिया आपने, उसको बोलना देखो भाई बात ऐसी है हर महीने में ऐसा सिर्फ एक वेबिनार होता है या हर 1.5-2 महीने के अंदर एक ही वेबिनार होता है ऐसा, और बहुत हज़ारों लोगों ने फॉर्म फिलअप किया है, लेकिन आपको अगर मैं आपको अभी वीडियो भेज रहा हूँ तो आपको अभी देख के रिस्पॉन्स करना पड़ेगा, या फिर आपको एट द पॉइंट 5 मिनट के अंदर या फिर एट द पॉइंट अभी रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, तभी मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा। इस तरीके से आप वेबिनार के अंदर लोगों को बुला सकते हो, सिंपल एज दैट। देखो तुमने वेबिनार को ना बहुत बड़ा वो समझ रखा है, तुम अपनी बातों को बताने से घबराओ, तुम्हें पता है भाई तुम्हारा एजेंडा क्या है। अगर कोई तुम्हारे गेट पे नॉक करता है या फिर बेल बजाता है, तुम गेट खोलते हो तो उससे पूछोगे तो सही, हाँ जी भाई क्यों बजाई थी। सिमिलरली इनविटेशन का भी ऐसा है, अगर कोई तुम्हारा फॉर्म फिलअप करता है या फिर तुम्हें टेक्स्ट करता है कि काम करना है या फिर मुझे अपॉर्चुनिटी जाननी है, तो उससे पूछेंगे हाँ जी भाई क्यों भरा था फॉर्म, आपने फॉर्म भरा था पैसे कमाने हैं, हाँ जी कमाने हैं, तो भाई वेबिनार होने वाला है 1 बजे, ठीक है, सिंपल सी बात है। और अगर वो पर्सन वेबिनार देखने के लिए 100, 200, 300 रुपये भी अगर आपको पे नहीं कर पा रहा, तो उसको बताओ कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टार्ट। अगर आप कोई मोबाइल फ़ोन भी खरीदते हो तो भाई 15-20 हज़ार रुपये का आता है, रिचार्ज भी कराते हो 200-250 रुपये का होता है, तो अगर आपने अपॉर्चुनिटी को बहुत अच्छे से बताया कि भाई लिमिटेड है, फाइनल ऑफर है, आज फाइनल डेट है, ख़त्म होने वाला है, 4 तारीख को वेबिनार है 2 दिन बाद या 5 दिन बाद, यू हैव टू रजिस्टर राइट नाउ। इस तरीके से वो बंदा वेबिनार के लिए आ सकता है। और कोई भी वेबिनार के लिए यार, कोई भी वेबिनार के लिए, अगर मान लो आपका प्रोडक्ट कुछ और है, अगर आप एक रियल्टर हो, आप प्रॉपर्टीज़ में हो, आपको प्रॉपर्टी विजिट करवानी है, ठीक है, तो आप इस तरीके से बता सकते हो कि भाई उसने बोला भैया मैंने लीड आ गई, उसको बोलो हाँ जी आपने इंक्वायरी करी थी प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है, वो बोलते हैं हाँ जी बिल्कुल करी थी, ठीक है, तो लोकेशन कब विजिट कर सकते हैं आप, वो बताएगा कि जी मैं लोकेशन तो 3 दिन बाद विजिट कर लूँगा, बुलाओ उनको, ठीक है, उनका फॉलोअप लो प्रॉपर तरीके से, ठीक है, उनको बताओ ये प्रॉपर्टी अभी हॉट चल रही है, हॉट सेलिंग चल रही है। चलो ये तो रियल एस्टेट वाली बात हो गई, ये बातें मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी इससे जो मेन पॉइंट था वो था इन्विटेशन करना। इन्विटेशन करते वक्त हैव कॉन्फिडेंस इन योर वॉइस, कभी भी एक लय में बात मत करो कि हेलो हाँ जी आपने फॉर्म भरा था, आप यहाँ से बिलोंग करते हैं, हाँ जी आप वीडियो देख लेंगे, हाँ जी थैंक यू जी चलो ठीक है। एंड एक तरीके से आप ऐसे बात कर सकते हो, हाय हाय मनीष बात कर रहे हो, हाय मनीष मैं अमन बात कर रहा हूँ, आपने मेरा फॉर्म फिलअप किया था इंस्टाग्राम पे, डू यू रिमेंबर, हाँ जी चलो भाई, तो भाई कैसे हो आप, सब बढ़िया, हाँ जी और कहाँ से बात कर रहे हो, अच्छा दिल्ली से बात कर रहे हो, ठीक है चलो यार बहुत बढ़िया, दिल्ली में तो मेरे दोस्त भी रहते हैं, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब उसके बाद फिर तुम आगे के पॉइंट मार सकते हो उनको, ठीक है, तो भाई आप अभी क्या करते हो, अच्छा आप अभी मतलब शॉप पे काम करते हो, किस चीज़ की शॉप है, अच्छा बेकरी के अंदर काम करते हो, तो वहाँ मतलब केक वगैरह तो खाते ही होगे, बढ़िया, हाँ जी केक वगैरह तो चलते रहते हैं, चलो जी, तो इससे पहले क्या करते थे, अच्छा इससे पहले आप बैंक पे थे, अच्छा बैंक से क्यों छोड़ दिया भाई, अच्छा वहाँ पे आउट अच्छा नहीं मिलता था, चलो कोई बात नहीं, अच्छा तो एक बात बताओ आप मेरे काम के बारे में कुछ जानते हो, नहीं जानता सर, अच्छा कोई बात नहीं चलो मैं बताता हूँ, तो देखो यार वैसे तो मैं बहुत सारी चीज़ों के अंदर काम करता हूँ, बट अभी राइट नाउ मैं डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ और ऑनलाइन ही लोगों की हेल्प करता हूँ अर्निंग करने में, तो उसके लिए मेरा एक वेबिनार होने वाला है, ठीक है, जो कि होने वाला है 3 दिन बाद। अब देखो बात ऐसी है ना, उस वेबिनार के लिए लगभग 15,000 लोगों ने रजिस्टर किया है, मतलब इंक्वायरी डाली है, नंबर दिए हैं, जैसे आपने डाला है वैसे उन्होंने डाला, बट द थिंग इज़ कि मैं उन 15,000 लोगों को
नहीं दे सकता रोजगार, मेरे पास कैपेसिटी है कि मैं 1000 लोगों की अच्छी अर्निंग करवा सकता हूँ, तो आपने फॉर्म फिलअप किया हुआ। तो इसलिए मैंने क्या किया कि उन 15,000 लोगों के लिए मैंने एक छोटा सा फी रख दिया कि जो भी पर्सन वेबिनार अटेंड करना चाहता है वही 100 रुपये की फी या 150 रुपये की फी या 200 रुपये की फी पे करे, अपना नाम रजिस्टर करा ले, वेबिनार में बैठे। ठीक है, इससे क्या होता है हमारी जो ऑडियंस है ना वो फिल्टर आउट हो जाती है, क्योंकि हर किसी को हम वेबिनार नहीं दिखाना चाहते। ठीक है, हम चाहते हैं जो सीरियस लोग हैं वही सिर्फ वेबिनार को देखने के लिए। तो आई होप आप भी सीरियस हो गए एंड 100-200 रुपये आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। ठीक है, तो इस वेबिनार के अंदर आपको ये एक्स वाई जेड सीखने को मिलेगा। ठीक है, आपने बता दिया, उसके बाद बोला चलो आप एक काम करो, आपको मैं व्हाट्सअप कर देता हूँ, ठीक है, आप मेरे को फटाफट से रजिस्ट्रेशन फी पे कर दो, ठीक है, ऐसे ऐसे लिंक पे क्लिक करके पे करना है या नंबर पे करना है, और उसके बाद फिर मैं आपको आगे की डिटेल्स चैट्स पे बताता हूँ। ठीक है, ऐसे करके आप रिलेशन बिल्डिंग करो। इस तरीके से इन्विटेशन करने से रिजल्ट आते हैं एक नंबर के, और यही चीज़ मैंने पिछले 2.5 साल में करके अपनी इंडस्ट्री के अंदर सिर्फ 1 ईयर के अंदर पूरे इंडिया के अंदर मैं टॉप 10 में आ गया, 2 साल मैं टॉप 3 में रहा। इस साल का मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, बट इट्स ऑल अबाउट द स्किल, इट्स ऑल अबाउट द कॉन्फिडेंस, इट्स ऑल अबाउट द मार्केट प्लेसेस प्रॉब्लम, कि मार्केट प्लेस की जो प्रॉब्लम है वही हमें सॉल्व करनी है, एंड उसको आप चिल्ला के नहीं कर सकते। यू हैव टू हैव एंथुजियाज्म इनसाइड यू एंड फोकस होके एक चीज पे, जब इन्विटेशन कर रहे हो इन्वाइट करो, बिकॉज यही आपका मेन चीज है। अगर एक इंसान पता क्या करता है, वो 10 चीजों पर फोकस करता है। इफ यू आर फोकसिंग ऑन 1 थिंग ओनली, You will understand everything. आपको सारा काम आ जाएगा, आप समझ जाओगे एंड यू विल बिकम द बेस्ट इन योर इंडस्ट्री। तो ये था इन्विटेशन करने का एक बहुत ही सिंपल तरीका, एंड इन्विटेशन के बहुत वेरिएशन हो सकते हैं। जैसे मुझे खुद आज 10-15 वेरिएशन आते हैं, मैं कभी भी किसी से इन्विटेशन कर सकता हूँ, वेबिनार में बुला सकता हूँ, कभी भी स्क्रिप्ट सेम नहीं रहती। ये आता है जब आप बहुत काम कर लेते हो, विजडम आ जाती है, आप कुछ भी बोलोगे लोग कन्वर्ट होते हैं, बट उससे पहले आपको स्क्रिप्ट को फॉलो करना पड़ेगा। तो स्क्रिप्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, यू कैन चेक इट आउट। एंड प्लस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो एंड कमेंट कर सकते हो। आने वाले टाइम के ऊपर सेल्स के ऊपर, मार्केटिंग के ऊपर बहुत सारी वीडियोज़ मैं लेके आने वाला हूँ, एंड जो लोग रियल एस्टेट में इंटरेस्टेड हैं उनके लिए भी मैं बहुत सारा कॉन्टेंट लेके आने वाला हूँ, और मैं बताने वाला हूँ कि आने वाले टाइम के अंदर मैं कैसे अपने रियल एस्टेट में एक एम्पायर खड़ा करने वाला हूँ। तो कुछ लोग इसमें भी इंटरेस्टेड होंगे, डेफिनेटली लर्निंग करो, अभी लर्निंग का टाइम है, आने वाले टाइम के अंदर बहुत बड़ा बूम करेंगे। टिल द टाइम कीप लर्निंग, बाय बाय, टेक केयर, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।